हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो। मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हैं डॉक्टर लाइन। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ रोंटी स्क्वायर के बारे में, जिसका साइज जो है मेरा 100 mm by 100 mm है, और राउंड का जो डाया है वो 70 mm है, और लेंथ है इसका 100 mm। बिल्कुल सिंपल तरीका से मैं समझाने वाला हूँ, जो कि अभी तक किसी ने आपको नहीं समझाया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और बढ़ते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको खींच लेना है यहाँ पर एक लाइन, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, जो कि मेरा 100 by 100 है। तो यहाँ पे मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह बनने वाला है। तो यहाँ पे दो मार्किंग मारना है आपको 100 का, और यहाँ पे इस तरह चीरा खींच देना है, और वापस इधर से भी 100 का एक लेना है लाइन। आप अगर 100 का नहीं लोगे तो 50 का भी ले लिया तो चलेगा, क्योंकि ये हाफ पार्टी मैं लेने वाला हूँ। तो इसके लिए अभी आपको मार के दिखा देता हूँ किस तरह बनने वाला है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है, और इसको है इस तरह लाइन खींच लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो, ये मेरा रेक्टेंगल का जो साइज है 100 mm by 100 mm, ये 100 mm, ये 100, चार पार्ट बन चुका है। अब करना क्या है, मुझे राउंड का साइज मारना है। तो उसके लिए मैं सेंटर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे हाफ का एक पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि मेरा 50 आने वाला है। तो एक यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, और एक इधर, और सेकेंड वाला मार्किंग यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 50 के लिए, क्योंकि वो सेंटर में मेरा रोंटू स्क्वायर है, तो मार्किंग आपको लेना ही पड़ेगा सेंटर में 50 का। तो मेरा आप देख सकते हो यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। तो अभी मैं इसको एक लाइन खींच लेता हूँ जहाँ से मुझे रेडियस घुमाना है। इसको पूरा भी खींच लिया तो चलेगा, हाफ लिया तो भी चलेगा, क्योंकि इसका भी एक ही पार्ट काम में आने वाला है। मैं जो आपको बताया हूँ सिंपल तरीका यही है इसका। आप चाहो तो अगर इस तरह नहीं भी बनाए तो सिर्फ ये एक पार्ट बना लिया, समझ लो आपका जो 100 mm साइज है उसका 50-50 का ही बना लिया, और इसके ऊपर जब आप कंपास रख के मारोगे तो वो घुमाओगे तो किस तरह घूमने वाला, वही बताने वाला हूँ मैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या, ये जो मेरा डाया है 70 mm, इसका हाफ का एक कंपास बना लेना है। प्रकार आपके पास रहेगा तो ठीक है, नहीं तो GI शीट पे भी बनता है, ये मुश्किल नहीं है, बन जाता है, ठीक है। और उसको रखना है ये सेंटर पॉइंट पर, और इस तरह इसको राउंड कर देना है। अगर मैं चाहूं तो सिर्फ यही एक पार्ट ले लेता हूं तो भी बन जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा मार्कर दिखा देता हूं ताकि ये आपको समझ में आ जाए इजीली। मैं पूरा राउंड घुमाऊंगा लेकिन एक ही पार्ट लेने वाला हूं। तो देख सकते हो आप, ये मेरा इस तरह पार्ट बन चुका है। अब इसको डिवाइड करना आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसको जितना भाग में कर सकते हो आपके ऊपर है, लेकिन मैं इसको फिलहाल 4 भाग में करने वाला हूँ, क्योंकि डाया बहुत छोटा है। तो आप देखते रहे, मैं कोई सा भी एक डाया ले लूँगा, क्योंकि सेम ही डाया है तो मुश्किल नहीं है। यहाँ पर रखना है आपको इस तरह एक कट लेना है, और यहाँ पे रखना है इस तरह एक कट लेना है। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, मैं लेके दिखा देता हूँ, और ये और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट हो चुका है। अभी मैं इसको लाइन मैच करके दिखा देता हूँ ये किस तरह बन के दिखने वाला है रोंटू स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इस तरह लाइन खींचना है इसको, और इसको नंबर भी दे देना है चाहिए तो, ताकि ईजीली समझ में आ जाए आपको। तो देख सकते हो ये इस तरह बन चुका है एक पार्ट। अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे मैच करूँगा तो भी वो इस तरह हाफ राउंड टू इस पर आपको दिखेगा। यहाँ पे मैच करके ही दिखा देता हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना चुका हूँ, चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, प्लीज़ आप जाके उसको भी देख लेना। दोनों में से जो भी अच्छा लगे उसको आप देख लेना। तो ये देख सकते हो मेरा हाफ राउंड टू इस पर बन चुका है। आप चाहो तो इसको और डिवाइड कर लेना, मैंने सिर्फ कंपार प्रकार के हिसाब से किया है। और अभी मैं करूँगा क्या, ये पॉइंट है, ये जो मेरा मेन पॉइंट है इसके ऊपर से ये नंबर, मैं नंबर दे देता हूँ इसको फिलहाल, इसको 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब करना क्या है मेरे को, ये पॉइंट जो है आप ये लाइन पर भी रख सकते हो, यहाँ पे सेपरेट लाइन खींच के उसके ऊपर भी लेंथ उतार सकते हो, बट यहाँ पर मैं लूँगा तो थोड़ा वेस्टेज ज़्यादा जाएगा, इसके लिए मैं यहीं पर उतार के दिखा देता हूँ आपको। ये पॉइंट पर रखना है आपको, और ये पॉइंट आपको नापना है कितना आ रहा है। ये मेरा 50 आया है, तो यहाँ पे आपको 50 का मार्किंग ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 50 का एक मार्किंग कर लेता हूँ ये वाला मेरा। तो ये मेरा आया है एक नंबर, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको लेना है दो नंबर, तो ये मेरा कितना आ रहा है, ये मेरा 37 mm आ रहा है। तो यहाँ पर रखना है इसको, और इसके ऊपर एक 37 का जो आपका यहाँ पे मेरा पॉइंट आया है ये मार देना है।
और इसको लिख देना है दो नंबर। वापिस तीन नंबर भी शायद मेरा सेम आने वाला है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो डाया है वो सेम है, जब आउट रहता है तो वो अलग अलग आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा तीन नंबर आ चुका है, यही सेम आया है। और अगर मैं चार नंबर की बात करूँ तो चार नंबर भी मेरा एक नंबर से मैच होने वाला है, क्योंकि डाया जो है रेक्टेंगल का सेम है। तो यहाँ पे मैं 50 का चार नंबर ले लेता हूँ, ये एक दो तीन चार हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ये जो इसके बीच में गेप है जो भी है, तो ये मेरा 15 mm आ रहा है, ये पॉइंट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना राउंड टू स्कोर आपका राइट एंगल में नहीं आएगा, बन तो जाएगा बट राइट एंगल में नहीं आएगा। तो इसको मैं एच लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो एक दो तीन चार नंबर, यहाँ पे एक दो तीन चार नंबर उतर चुका है। अब करना क्या है आपको, ये जो मेरा 100 mm लेंथ है वो मार्क वो ले लेना है आपको, तो वो यही पॉइंट पर से लेना है आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा 100 mm का ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ पे अब मेरा आया है मैन हाइट जो है मेरा वो ये है, ये वाला, और इसको मैं लिख देता हूँ हाइट हाइट, ठीक है। ये मेरा मेन पॉइंट आया है। अब आपको करना क्या है, इसको ये पॉइंट को यहाँ से आपको नापना है मेजर टेप लेकर के या जो भी है आपके पास। तो ये मेरा जो आप इसको चाहो तो नंबर लिख लेना, मुश्किल बात नहीं है। तो ये मेरा आ रहा है 12 mm 100। तो यहाँ पे मैं नंबर आपको लिख के देता हूँ, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर और हाइट, ठीक है। तो एक नंबर जो आया है मेरा वो आया है 112 mm, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पे 112 mm। उसके बाद मेरा आएगा दो नंबर, दो नंबर मेरा आ रहा है 106 mm, 107 mm आ रहा है दो नंबर मेरा 107। उसके बाद जो है मेरा तीन नंबर भी वही है, तो वो भी वही आ रहा है 107। उसके बाद जो है मेरा चार नंबर, तो चार नंबर भी आप देख सकते हो यहीं पे है मेरा, तो वो 12 ही आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये चार नंबर है 112 आया है। अभी जो है मेरा हाइट है ये है, इसको अभी मैं नापता हूँ, तो ये मेरा आ रहा है टोटल 100 mm कुल मिला के। तो ये मेरा हाइट हो चुका है 100 mm। ये आप देख सकते हो मेरा पूरा पॉइंट आ चुका है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये मैं इसी के ऊपर ले लेता हूँ, नहीं तो मेरा वेस्टेज बहुत चला जाएगा, इसी पे मैं बना के दिखा दे। तो ये मैंने लंबी लाइन खींच दी है, मैं क्या करूँगा अभी, ये सीट मेरे पास जितना भी है मैं इसका हाफ ले लेता हूँ, ताकि मेरा जो पीस है वो इजीली बन जाए। तो ये मेरा यहाँ पे आ रहा है 45 सेंटर आ रहा है, और ये मेरा, और इसके ऊपर मैं एक चीरा खींच लेता हूँ लाइन, ये मैंने एक लाइन खींच लिया। अब करना क्या है, ये जो मेरा साइज है 100 mm है, मतलब 100 mm, तो अब आपको इधर लेना है 50 mm। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा 50 का इधर मार्किंग आया है, और सेकंड वाला साइज जो है मेरा इधर आया है, मतलब एक ही साइज है और यहाँ पे उसका पॉइंट आ रहा है मतलब। तो ये मेरा आया है इस तरह से, पॉइंट आया है मेरा यहाँ पे, ये देख सकते हो। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आपका आया है 112 mm। तो मेरे पास अभी टेप है, आप चाहो तो टेप से नाप लेना, डायरेक्ट टेप से 112 यहाँ से मार सकते हो, लेकिन मेरे पास प्रकार है, मैं प्रकार से मारने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरा जो यहाँ पे हाइट आया था, तो सबसे पहले मैं एक नंबर ले लूँगा मेरा जहाँ पे भी आ रहा है, हाँ, तो मैंने एक नंबर लेके और उसको आपको रखना है ये पॉइंट पर, और इस तरह रेडियस करना है, अभी इसी के ऊपर रख करके यहाँ पे रेडियस करना है। तो ये जहाँ पे लाइन कट जाए उसी को पकड़ना है, ये लाइन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो आ रहा है वो आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा दे, तो आप देख सकते हो मेरा पॉइंट है यहाँ पे आया है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा इसका जो एक प्रकार बना है, मतलब एक कंपास बनाना है आपको, इसके हिसाब से आप फोन पे डिवाइड कर लेना या कैलसी पे जितना भी आ जाए, तो इसके हिसाब से मैं बना लेता हूँ, मैं डिवाइड नहीं किया हूँ। यहाँ पर मेरा पॉइंट बराबर आ रहा है, तो आपको इसको जब आप डिवाइड करोगे 70 mm का डाया जितना भी है, तो आप उसको एक दो तीन चार मतलब 12 पार्ट में टोटल डिवाइड कर देना। तो 12 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये आपका कुछ 13 mm से ज़्यादा जा रहा है, 13 mm आ रहा है। उसके बाद करना क्या है आपको, ये पॉइंटर के ऊपर रखना है, इस तरह रेडियस करना है, और इधर भी करना है आपको, देख सकते हो।
यहाँ पे कर दिया। उसके बाद करना क्या है आपको, दो नंबर का पॉइंटर लेना है जो कि ये वाला है, तो ये वाला अभी यहाँ पे रखूँगा मैं वापस इसको हाइट पे, और यहाँ पे दो नंबर पे जो भी आ जाए उसको आपको यहाँ पे रखना है उसी पॉइंटर पे वापस, और इस तरह थोड़ा सा कट कर देना है ताकि वो थोड़ा क्वालिटी में दिखे। तो ये मेरा आया है यहाँ पे, देख सकते हो ये वाला है मेरा, मैं इसको 1 2 2 क्योंकि सेंटर 1 2 स्क्वायर है तो दोनों साइड बराबर उतरेगा पॉइंट है इसका, ठीक है। और वापिस से मेरे को यही कंपास को घुमाना है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ इस तरह घुमाना है, ये कंपास आपको जरूरी है बनाना, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, तीन नंबर मेरा और दो नंबर सेम ही है, तो इसी पॉइंट पर रख के इसको यहाँ पे इस तरह कर देना है, और यहाँ पे भी रख के इस तरह कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा आया है एक पॉइंट, इसको मैं लेऊंगा तीन नंबर और तीन नंबर, वापिस से मेरा ये प्रकार आएगा यहाँ का इसके ऊपर, और इस तरह रेडियस होगा, और ये वाला भी रेडियस होगा। अब करना क्या है, चार नंबर का पॉइंट है मेरा जो कि यहाँ पे आ रहा है 112, तो मैं वापिस ये हाइट पे रखूँगा इसको, और मेरा जो भी आ जाए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आया, और ये वाला इधर आया मेरा, तो देख सकते हो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये चार नंबर दे देता हूँ मैं इसको। तो ये मेरा हाफ पार्ट बन चुका है सिंपल सा, अभी मैं इसको रेडियस करके दिखा देता हूँ ये किस तरह बनने वाला है। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे जो मेरा 50 mm साइज है ये वाला, मतलब 100 है ना, मैं हाफ में ले रहा हूँ ना, दो पार्ट में बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 50 का मार्क लेना है प्रकार, और इस पर आपको इस तरह रेडियस कर देना है, और ये आप दूसरा साइज जो मेरा यहाँ पे है, तो थोड़ा इधर कन्फ्यूजन। अब करना क्या है आपको, अब ये हाइट आपको मारना है, तो मेरा ये हाइट यहाँ पे आ रहा है जो भी आ जाए देख सकते हो यहाँ पे, हाँ उसको करना क्या है आपको, ये पॉइंट पे रखना है चार नंबर पे, और इस तरह कट कर देना है, और वापिस यहाँ पे भी चार नंबर इस तरह कट हो जाएगा ये। अब मैं इसको राइट एंगल मिला के आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये रोंटू स्क्वायर बना है कि नहीं बना है, और बना है तो राइट एंगल में आया है कि नहीं वो भी समझ में आ जाएगा। अगर ये आपका राइट एंगल नहीं आया तो आपका रोंटू स्क्वायर बनना बेकार है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरा 0-0 बिल्कुल आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी मेरा जो पॉइंट आया है वो ये है। ताकि आपको कुछ डाउट ना रह जाए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैच कर लेता हूँ, माफ़ी चाहूँगा इधर थोड़ा ज़्यादा लाइन आ चुका है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आया मेरा, और उसके बाद जो है मेरा रेडियस का लाइन ये है, ठीक है। अब मैं आपको ये रेडियस करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा किस तरह रेडियस होने वाला है ये, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, इसको यहाँ पे मैच करके दिखा देता हूँ आप। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे लाइन मैच कर दिया है। अब इसको करना क्या है आपको, कट मारने के लिए यहाँ पे मार्किंग लेना ही पड़ता है, इसको इस तरह लेना है, और ये वाला यहाँ पे लेना है, और इसको इधर ले लेना है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे रखना है आपको, और ये लाइन को इस तरह यहाँ से खींच देना है, फिर यहाँ से इसको तो दोस्तों देख सकते हो ये मेरा जो था ये 50 mm आया है, मैंने हाफ पार्ट में बनाया है, और ये बीच का 100 ये 50। मैं अगर इसको एक पार्ट में बनाने जाता हूँ तो इधर मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा है, और इधर भी नहीं बच रहा है, तो सिंपल सा पीस है। आई होप कि मैं आपको ये पीस समझा चुका हूँ अच्छे से, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ये मेरा एक पार्ट बन चुका है, इसका दूसरा पार्ट आपको इसको काट लेना है इधर से, और इधर आपको जो भी रखना हो, कुछ लोग पे के लिए रखते हैं और कुछ सांधे के लिए, वही एक ही चीज़ हुआ मोराई करने के लिए, तो इधर 10 mm बेसिक रखा जाता है, 10 इधर 20 mm रख लेना, और आपको फ्लांचे के लिए जो है वो यहाँ पर रखना है, मतलब इधर भी आपको जिस हिसाब से एंगल फ्रेम के लिए रखना हो वो रख लेना। कुछ लोग को एंगल फ्रेम अच्छा लगता है, कुछ TDF बनाया जाता है, कुछ सादा फ्लांज रहता है, आपको जो भी अच्छा लगे वो रख लेना। और इसको यहाँ से कट करने के बाद ये एक पार्ट और बैठा के काट लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोग ये पीस अच्छे से सीख चुके हैं, इसी पार्ट को बैठा के काट लेना है, उसके बाद यहाँ से कट मार देना है इस तरह
वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ प्लीज़, और एक कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना के लेके आता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। इसका एक पार्ट और काट के आपको सेम पार्ट मतलब कॉपी कर लेना है कटिंग करने के बाद, और इसको कट मार के यहाँ से जोड़ लेना है, इधर आपको जो भी रखना हो रख लेना। तो मिलते हैं फिर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक।